राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी देवी देवी झारखंड सरकार में मंत्री बनेंगी। सूत्रों की माने तो जगन्नाथ महतो की पत्नी देवी देवी को मंत्री पद मिलना तय हो गया है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उन्हें कौन सा विभाग सौंपा जाएगा, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी देवी देवी 3 जुलाई को मंत्री पद की शपथ लेंगी। बता दें कि झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री दिवंगत जगन्नाथ महतो के निधन के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि उनके परिवार से किसी को मंत्री पद दिया जा सकता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया था कि पद उनकी पत्नी देवी देवी को दिया जाएगा या अखिलेश महतो को। लेकिन अब इन कयासों पर पूरी तरह से विराम लग चुका है और खबर सामने निकल कर आ रही है कि सोमवार यानी 3 जुलाई को बेबी देवी राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेंगी। हालांकि इससे संबंधित अभी तक कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई है। बता दें कि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उन्हें कौन से विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। चूंकि दिवंगत जगन्नाथ महतो राज्य के शिक्षा मंत्री और उत्पाद मंत्री थे, ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि इन्हीं विभागों में से किसी विभाग की जिम्मेदारी बेबी देवी को दी जा सकती है। लेकिन कई अन्य विभाग भी ऐसे हैं जिसकी जिम्मेदारी बेबी देवी को संभवतः दी जाएगी। ऐसे में अभी ये बता पाना कि बेबी महतो को कौन सा विभाग सौंपा जाएगा मुमकिन नहीं है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।